नमस्कार, किटवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाने की पुलिस ने गुमशुदा बच्चे की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी हेट स्पीच मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई, अगली तारीख 14 फरवरी की हुई नियत। श्रीकाशी सत्संग मंडल ने रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दी तहरीर। और बीएचयू अटल इंक्यूबेशन में आईसीआई स्टार्टअप संवाद का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जैतपुरा थाने की पुलिस ने गुमशुदा बच्चे की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बालक की तलाश बरामदगी की कार्रवाई के दौरान जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर छवि महल टॉकीज के पीछे संजय नगर कॉलोनी कूड़ेखाने के पास एक थर्माकोल के गत्ते के अंदर प्लास्टिक की बोरी व पारदर्शी पन्नी में एक बच्चे का शव बरामद किया गया। पुलिस द्वारा शिनाख्त के दौरान घटनास्थल के आसपास स्थित सीसीटीवी के अवलोकन से एक संदिग्ध व्यक्ति गुमशुदा बालक का हाथ पकड़े बुनकर मार्केट बड़ी बाजार की तरफ जाते हुए देखा गया, जिसकी पहचान वादी मुकदमा द्वारा शाहिद जमाल के रूप में की गई। संदिग्ध शाहिद जमाल को थाने पर लाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। इसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बरामद शव के पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु दम घुटने से होना पाया गया। दोषीपुरा थाना जैतपुर अंतर्गत एक बच्चा कल सवा 9 बजे के आसपास जो है खेल रहा था और अपने चाचा के साथ गया था मैदान में और वहाँ से फिर गुम हो गया था। इस संबंध में जो है इनके परिजन जो है खोजबीन कर रहे थे और सुबह के समय पुलिस को इन्होंने सूचना दिया, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा खोजबीन की गई तो और सीसीटीवी फुटेज आज भी देखे गए तो इस संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हुई, जहां पर बच्चे को जो है एक लड़का जो है ले जाते हुए दिखा खेल के मैदान से और उसके बाद जो है प्रातः इसको जो है एक थर्माकोल में भी वही लड़का जो है दिखा। उस बच्चे की खोजबीन की गई, खोजबीन में बच्चे को हिरासत में लिया गया, बच्चे से पूछताछ की गई, बच्चे ने जो है अपना जुर्म कबूल किया है कि मैंने अपनी दुकान में ही दोषीपुरा मोहल्ले में ही बोले मेरे इस परिवार में खूब आना जाना था और मैं बच्चे को लेके अपने किराना की दुकान में ले आया था और वहाँ पर मैं जो है इस बच्चे को जो है थर्माकोल के डिब्बे में बंद कर दिया था, जिसके कारण से इसकी डेथ हो गई और उसको प्रातः जो है मैं ले जा करके पास के ही बिजली के पोल के पास थर्माकोल के डिब्बे में ही वहाँ रखाया। बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, पंचनामा भर करके पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो है साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञानवापी हेट स्पीच मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई, अगली तारीख 14 फरवरी की नियत की गई। पढ़ता हूँ वकील साहब, क्या दिक्कत थी और किस तरह की आपने आपत्ति की थी कोर्ट में? जी, हमने 156-3 प्रार्थना पत्र दाखिल किया था 23/5/2022 को, जिसमें हमने जो है ये इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी गण और सांसद असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह यादव जी को हमने नामजद करते हुए 156-3 प्रार्थना किया था कि इन लोगों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के उसमें हेट स्पीचिंग पर हमारे वादी विश्वेश्वर को फोहारा कह करके अपमानित किया गया। क्या प्रकरण चल रहा था उस समय? प्रकरण ये चल रहा था कि यहाँ पे श्रृंगार गौरी के पूजा आराधना के लिए एक यहाँ रिट दाखिल हुई थी और उस याचिका में ये कहा गया था हमको श्रृंगार गौरी के पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, जिस पे कमीशन नियुक्त हुआ था 5 मई 2022 को। तो वो कमीशन नियुक्त होकर 6 मई को जब वहाँ गया तो वहाँ मारपीट शुरू हो गई,
उन्होंने प्रतिबंधित किया जाने के लिए, तो पुनः कमीशन नियुक्त हुआ और पुनः कमीशन पुलिस बल के बल वहाँ गया तो कमीशन कार्रवाई शुरू हुई। तो 16 मई 2022 को वहाँ पे एक स्थान पे वजू के स्थान पे एक आकृति उत्पन्न हुई जिसको पानी से भरा हुआ था। साफ करने पता चला कि यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर विराजमान है। उस पर जो उसकी स्थिति देख करके और वहाँ गंदगी फैलाने को देख करके समाज सनातनी हिंदू समाज के मन में बहुत एक क्षोभ पैदा हुआ और बड़े दर्द पैदा हुआ। उसके द्वारा हम लोगों ने 19 मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र थाना में दिया गया और कमिश्नर ऑफ पुलिस को उत्तर इनको दिया गया बनारस में। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उससे पीड़ित होकर के हम 23/5/2022 को एक प्रार्थना पत्र 156 दिन दाखिल किए थे जिसकी मेंटेबिलिटी में बहस चली। मेंटेबिलिटी बहस होने के बाद वो प्रार्थना पत्र मेंटेबल माना गया। थाने से रिपोर्ट आहूत की गई। थाने की रिपोर्ट अपूर्ण आई थी। थाने की रिपोर्ट जो आई थी 4 दिसंबर 2022 की वो अपूर्ण थी। उस पर फिर कोर्ट ने दोबारा मांगा तो 3 जनवरी 2023 को रिपोर्ट पूर्ण आई जिसमें लिखा था कि अखिलेश सिंह यादव और अकबर ओवैसी के खिलाफ हमारे थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिस पर आधार पर 156 मामला परिपूर्ण माना गया। आज उसकी बहस हुई। बहस के द्वारा सारी बातें दही गई। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे वकील साहब अजय प्रताप सिंह जी बहस किए। इस समय दौर चल रहा है धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का, उनके खिलाफ़ मुकदमा भी लगातार दर्ज होते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारा भी है कि हेट स्पीचिंग पर जिस प्रकार से सांसद और विधायक लोग अपना आपा खो कर जिस ढंग से हिंदू समाज को प्रताड़ित और बंधित करने की जो कर रहे हैं ये गलत है, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। श्री काशी सत्संग मंडल ने रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध तहरीर दी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी द्वारा चौक थाने में पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर देते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। काशी सत्संग मंडल के मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में रामचरितमानस पाठ चल रहा है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया गया और सपा कार्यकर्ताओं द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं। इस बात की हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तत्काल गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे अराजक तत्व जो समाज में दंगा फसाद फैलाने की नीयत से रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर टिप्पणी कर रहे हैं उनको तत्काल जेल भेजा जाए। चंद्रशेखर जी, किस तरह का पत्रकार थाने में आप लोगों ने दिया? देखिए, हम लोगों के यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में 9 दिन के काशी सत्संग मंडल द्वारा रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है और इसी दौरान एक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आता है, समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता, उनका एक बयान आता है रामचरितमानस के विरुद्ध और उनके सहयोगियों ने यानी समाजवादी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने चौक थाने में काशी सत्संग मंडल द्वारा, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, देवेन पाठक जी और तमाम साथी भी मौजूद हैं, हम लोगों ने आज यहाँ के इंस्पेक्टर साहब को एक तहरीर दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस मामले में एक मुकदमा कायम किया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी। कौन कौन लोग आए हैं आज पत्रक देने आप लोग? आज हमारे साथ देवेंद्र पाठक जी हैं, रवि मिश्रा जी हैं और तमाम कथा से जो है आए हुए बटुक महाराज। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तत्काल गिरफ्तारी हो और ऐसे अवांछनीय तत्व जो समाज में दंगा फसाद फैलाने की नीयत से रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर अगर टिप्पणी कर रहे हैं उनको तत्काल नजरबंद करके उनको सलाखों के पीछे फेंका जाए। BHU अटल इंक्यूबेशन में ICAI स्टार्टअप संवाद का आयोजन हुआ। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा मंगलवार को ICAI स्टार्टअप संवाद का आयोजन अटल इंक्यूबेशन सेंटर BHU में किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत शाखा अध्यक्ष CA सोमदत्त रघु ने स्वागत भाषण द्वारा किया। कार्यक्रम का संचालन CA शिशिर उपाध्याय एवं अध्यक्षता CA कमलेश कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता CA मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि MSME और स्टार्टअप समिति देश में नए स्टार्टअप के गठन और उनके सुचारू रूप से कार्य करने की दिशा में काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा मेक इन
इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत में एमएसएमई के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेखा जोखा में हर पल मददगार हैं वो भी इस अभियान की पेचीदगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचकर इसकी बारीकियों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में शाखा सचिव सीए सौरभ कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं सदस्यों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में डॉ. राजीव पीवी प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएचयू, आरएस मिश्रा प्रोफेसर आशुतोष मोहन एवं शाखा उपाध्यक्ष सीए अनिल कुमार अग्रवाल, शाखा कोषाध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह, गर्वित जायसवाल एवं बीएचयू के छात्र छात्राओं आदि लोगों की सहभागिता रही। आज हम लोग का आईसीआई जो हम लोग पूरे इंस्टीट्यूट में एक महीने का हर शहर में आईसीआई एक मंथ चला रही है जिसमें हर शहर में आईसीआई पे सेमिनार हो रहे हैं, आईसीआई में स्टार्टअप पे सेमिनार हो रहे हैं और स्टार्टअप के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि स्टार्टअप क्या होता है, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या है, उससे क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक हमारे इंस्टीट्यूट ने एक पूरा पोर्टल बना रखा है इसके लिए, वहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके स्टार्टअप के बारे में किस प्रदेश में कौन कौन से यहाँ लोग रजिस्टर्ड हैं, क्या हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको हमारे आईसीआई के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आज का जो सेमिनार है, इस सेमिनार में हम लोग ने वाराणसी में बीएचयू के साथ में इस प्रोग्राम को स्टार्टअप इंक्यूबमेंट सेंटर जो यहाँ पे बीएचयू में है, अटल इंक्यूबमेंट सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें हम लोगों ने जॉइंटली इस प्रोग्राम को रखा है जिससे कि यहाँ पे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अदर जो बिजनेसमैन हैं और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप के बारे में जानकारी कर सकें और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके उसका लाभ उठा सकें। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम स्टार्टअप जो गवर्नमेंट की योजना है उससे कैसे एक बिजनेसमैन फ़ायदा ले सकता है, एक कोई नए क्रिएटिव करने वाला सोच रखने वाला व्यक्ति कैसे इसका फ़ायदा लेके इसे इस स्कीम को आगे बढ़ा सकता है। इस तरह से यहाँ सीएस द्वारा जो नए स्टार्टअप शुरू करते हैं स्टार्टअप, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं या फिर सरकार द्वारा उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही, कितना ये आपकी ये अच्छी जानकारी हो? सर जनरली देखें तो यहाँ सबसे पहला जो हम लोग का प्रोग्राम करवाया गया था वो एमएसएमई के ब्रांच द्वारा करवाया गया था और दूसरा जो करवाया जा रहा है वो इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा करवाया जा रहा है। तो जनरली इसमें सबसे पहले जैसे स्टार्टअप्स करते हैं तो उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको फंडिंग को लेकर के तो गवर्नमेंट की ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनका फ़ायदा उठा करके एक जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज है वो बहुत ही आगे जा सकती है, तो उसी के बेनिफिट्स के बारे में और पब्लिक को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। फायदेमंद है ये आज का सेशन हो गया, इसमें ढेर सारे एमएसएमई इंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट किए थे और अगर उन सारे इस चीज़ को देख करके अगर जो इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और वो एक एस्टेब्लिश इंटरप्राइज के रूप में सेटअप कर सकते हैं अपने आप को। स्टार्टअप के लिए यहाँ की जानकारी काफ़ी लाभप्रद होगी, ये सर काफ़ी लाभप्रद होगी और जो पहले से भी इंटरप्राइज रह चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। ये जो आज जिस तरह से आज स्टार्टअप को लेकर संवाद हो रहा है, तमाम सीएस आए हैं, तो क्या कुछ बताने वाले हैं आप? ये जो सीएस हमारे पैनल के जो मेंबर्स आए हैं और जो सीएस आए हैं हमें बता रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन के अंदर ये स्टार्टअप्स के बारे में बता रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है एज़ कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल स्टडीज़ और जो भी होती है, तो स्टार्टअप्स के थ्रू कैसे हम लोग अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मतलब यंग जनरेशन की जो यूथ है वो मेनली स्टार्टअप से फोकस कर रही है कि कैसे हम लोग एक छोटे प्रोडक्ट को लेके एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज के थ्रू उन्हें प्रॉपर कैसे मैनेज करना है, कॉस्टिंग ब्रांडिंग। इससे पहले जो सेशन चला था जो एमएसएमई के द्वारा चलाया गया था उन्होंने प्रॉपर ब्रांडिंग और प्रोडक्ट के मैनेजमेंट पर फोकस किया, सो आज का सेशन ऐसा ही कुछ है और हमारे जो ये जो ऑडियंस बैठी है सब हमारे बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं मेनली और कुछ बाहर से भी आए हैं। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दशा समेत स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में चल रहे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के समापन के बाद विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 विद्वानों का भी सम्मान किया गया। प्रतिवर्ष होने वाले वार्षिकोत्सव का ये
79वां वर्ष रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मभूषण प्रोफेसर विशिष्ट त्रिपाठी, शिवनाथ मिश्रा सहित अन्य सम्मानित लोगों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। छात्रों को अतिथियों ने सम्मानित कर उन्हें इस खेल के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पवन कुमार शुक्ला, गणेश दत्त शास्त्री, आचार्य विकास दीक्षित सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। आज यहाँ पे सांस्कृतिक आयोजन शास्त्रार्थ महाविद्यालय द्वारा वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कई विद्वानों का सम्मान स्वागत किया जा रहा है। साथ ही उनके हाथों, विद्वान जनों के हाथों यहाँ के बच्चों को, जो छात्र हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये विद्यालय बहुत ही पुराना विद्यालय है, प्राचीन विद्यालय है और संस्कृति को, काशी की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है शास्त्रार्थ महाविद्यालय। और इसके जो संयोजक हैं, इसके जो अध्यापक हैं, जितने लोग भी हैं, बड़े गुणी जन लोग हैं और विद्वानों का सम्मान करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कितना खेल जरूरी जो आज ये उधर अपना छात्रों ने लिखाया खेल का? जी देखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आपका मन चित्त शांत नहीं रहेगा। तो मन चित्त शांत रखने के लिए व्यायाम, योग साधना और क्रीड़ा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं और ऐसे बच्चों को हम लोग देखते हैं, देश का भविष्य है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो क्रीड़ा के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, वो देश के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिवर्ष शास्त्रार्थ महाविद्यालय के स्थापनोत्सव पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। इस वर्ष भी 79वें वार्षिकोत्सव पर संस्कृत क्रिकेट मैच, संस्कृत संभाषण, अंत्याक्षरी, शास्त्रार्थ और योगासन, शुक्ल यजुर्वेद संहिता, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। आज समापन समारोह पर काशी के कुछ मूर्धन्य विद्वानों का सम्मान भी होगा और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी जो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी एवं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी की विशिष्ट गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम यहाँ संपादित हो रहा है। प्रतिवर्ष संस्कृत के संवर्धन के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर यह महाविद्यालय प्रतिवर्ष अपने वार्षिकोत्सव पर, स्थापनोत्सव पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और साथ ही समाज को एक संदेश देने के लिए कि संस्कृत के जो छात्र हैं केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, अपितु किसी अन्य क्षेत्र में भी उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, वो उसमें भी अपना करिश्मा दिखा सकते हैं। सपा राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत होने के बाद प्रथम काशी आगमन पर शिवपाल यादव का भव्य स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी में नवनियुक्त महासचिव शिवपाल यादव निजी कार्यक्रम में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे। राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत होने के बाद कार्यकर्ताओं ने जोशो खरोश से उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करने के दौरान शिवपाल यादव ने बताया कि आगामी 2024 के चुनाव के मद्देनजर संगठन का विस्तार किया गया है। रामचरित मानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए बयान को लेकर कहा कि भाजपा देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है ताकि जनता मुद्दों से भटके। वहीं 2024 के चुनाव में गठबंधन के सवाल को लेकर बताया कि जो पार्टी समाजवादी विचारधारा के साथ आना चाहती है उसका पार्टी में स्वागत है। और नीचे कर लीजिए भैया, नेता जी इधर देखिए, हर बार आते रहे, लगातार आते रहे, और नीचे कर लीजिए। अब हमें जो पत्रिया दिया है नीचे कर लेंगे, समाजवादी पार्टी के सरकार बनानी है, केवल हम लोगों का समाजवादी प्रदर्शन यही है, ये सरकार बनानी है। जो पद मिला है उससे आप संतुष्ट हैं? राष्ट्रीय महासचिव
शिवपाल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो बयान दिए थे उसको लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो लगातार वो भी विरोध कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी दोनों से बच जाना चाहती है, देश को इसी तरीके से बचना चाहती है, तो देश कमजोर होगा। वैसे तो जितने भी हम लोग समाजवादी लोग हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उनका हम सब लोग सम्मान करते हैं। शिवपाल जी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उनका कहना है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है बल्कि ये अखिलेश यादव का बयान है, और स्वामी ये अखिलेश यादव और जो है ये लोग उत्तर इग्नोर ना करते हो बल्कि उनको महासचिव बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन वो मौर्य जी अपने बयान पर कायम है, बदल नहीं रहे हैं अपने बयान, ठीक है। क्या ऐसा है जैसा मौर्य जी कह रहे हैं वैसा है कुछ रामचरित मानस में आपके? और आगे कर सभी जितने भी प्रतियां जलाई गई हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है लखनऊ में FIR भी दर्ज किए गए हैं। जिस तरह से प्रतियां जलाई गई, धार्मिक ग्रंथ है वो, प्रतियां जलाने का जलाई गई है, कहीं ना कहीं आपका क्या कहना है, प्रतियों को जलाना चाहिए? दोषी होगा। देखिए जनता ने सबक सिखा दिया है और अब आगे हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है, संगठन को मजबूत करके हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। शिवपाल जी, 24 की बल पर ये अब नहीं चल पाएगी। 24 की क्या रणनीति रहेगी शिवपाल जी, जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर आपके साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश? किसके साथ गठबंधन की संभावना इस बार लग रही है? सभी जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं सबको। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे विपक्ष का चेहरा? हो जाएगा, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अपने को आगे करने के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपका काशी आगमन हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम काशी में रहेंगे आज? हम शादी में आए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रन बाय बाल विश्वविद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड NIOS HRD मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली, प्ले ग्रुप टू क्लास 12 विद साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स, वेल फोकस्ड स्मार्ट क्लासेस, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स, मॉडर्न लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी संस्कृत उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, मॉडर्न हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सेफ एंड बी श्योर ट्रांसपोर्टेशन। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट एवं डोंगरी रामनगर वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU कैंपस में लगातार हो रही छेड़खानी की घटनाओं को लेकर छात्राओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर चेतावनी मार्च निकाला।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार हो रही छेड़खानी की घटनाओं को लेकर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने चेतावनी मार्च निकाला। हाथों में लाठी और डंडे लिए विश्वविद्यालय की छात्राओं ने कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़ी छात्राओं ने मार्च निकाला। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय कैंपस में डफली बजाकर विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए। इस यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है। वहीं इस पूरी घटना पर जिला प्रशासन किसी तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बीएचयू की छात्रा आकांक्षा ने बताया कि कैंपस में कुछ मंचलों द्वारा लगातार महिला विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। लगातार लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही कैंपस की एक दृष्टि बाधित छात्रा के साथ छेड़खानी हुई। आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज हुआ, लेकिन संगीन धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा गया। मुकदमा नहीं लिखने के कारण आरोपी जमानत पर बाहर घूमने लगा। बताया कि कई मामलों में तो बीएचयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर आरोपी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और मामले को दबाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि लड़कियां अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आए और जहां पर भी उनके साथ कोई ऐसी हरकत करने का प्रयास करे उनकी खुद पिटाई करें। आज हम लोग ये मार्च किए हैं, जिस तरह से बीएचयू में लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं कि ना प्रशासन कुछ करता है ना कानून कुछ करता है। जिसके पास पावर है उसके हिसाब से छूटकर बाहर आ जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दृष्टिबाधित एक छात्रा थी, उसके साथ छेड़खानी हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का कोशिश किया गया उसके साथ, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी पूर्व डीन थे वो छूटकर वापस आ गए। तो हम देख रहे हैं कि कानून तो कुछ कर ही नहीं रहा, लड़कियों को न्याय मिल नहीं रहा है। सीधे सीधे पूरा प्रशासन जो है हमारा बीएचयू का प्रशासन और पुलिस प्रशासन उसी को हम मानते हैं। हर महीने इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आज लड़कियों का मार्च है कि अब न्याय हम अपने आप अपने साथ खुद करेंगे। ना प्रशासन कोई जवाब दे ही ले रहा है ना पुलिस प्रशासन कोई जवाब दे रहा है, इसलिए लड़कियां डंडे और इनके साथ मार्च कर रही हैं कि जब हमारे साथ कोई छेड़खानी करेगा हम उसको उसी समय मारे पीटेंगे और अपना न्याय लेंगे। ये हमारा विश्वनाथ मंदिर से लेकर लंका गेट तक मार्च है। बीएचयू पंडित ब्रजनाथ छात्रावास में गलत तरीके से आवंटन के विरुद्ध छात्र धरने पर बैठे। बीएचयू पंडित ब्रजनाथ छात्रावास में गलत तरीके से आवंटन के विरुद्ध छात्र धरने पर बैठे। छात्रों का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पंडित ब्रजनाथ छात्रावास के छात्र गलत तरीके से छात्रावास आवंटन एवं शोध छात्रों की सीट कम किए जाने के विरुद्ध पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन से संवाद कर रहे थे। इसी क्रम में पिछले दिनों छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी बात रखी एवं उनके उपरांत छात्र कल्याण अधिष्ठाता के समक्ष भी छात्रावास में गलत अनुपात में आवंटन का मुद्दा उठाया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई। इसके उलट सामाजिक विज्ञान संकाय की संकाय अध्यक्ष द्वारा आवंटन में अनियमितता का विरोध कर रहे विद्यार्थियों के ही छात्रावास आवंटन निरस्त करने की धमकी दी एवं उनके कमरे को बीच सत्र में ही बदलना शुरू कर दिया गया। आगामी परीक्षाओं एवं शोध कार्य को देखते हुए विद्यार्थियों द्वारा संकायाध्यक्ष के इस निर्णय का विरोध किया गया, परंतु उनके द्वारा पुनः कार्रवाई करने की धमकी दी जाने लगी। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत छात्र कल्याण अधिष्ठाता से की, परंतु उचित आश्वासन न मिलने की स्थिति में छात्रों ने DSW कार्यालय पर ही अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जो मांगों के पूरा होने तक जारी रहेगा। इस दौरान छात्रों ने मांग की कि पंडित ब्रजनाथ छात्रावास में गलत अनुपात में हुए आवंटन को सुधारा जाए एवं तब तक छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया स्थगित की जाए तथा पंडित ब्रजनाथ छात्रावास में सेल्फ फाइनेंस PG कोर्स की सीटों के आवंटन के समय शोध छात्रों के लिए आवंटित सीटों के अनुपात का ध्यान रखा जाए। हम लोग पंडित ब्रजनाथ छात्रावास के अंतःवासी हैं। पिछले कई महीनों से हम लोगों के सामने एक समस्या है कि अलग अलग विभागों का जो आवंटन हुआ है कमरों का पंडित ब्रजनाथ हॉस्टल में, वो बिल्कुल भी गलत तरीके से हुआ है। किसी विभाग को 22 कमरे हैं, किसी सेंटर को 18 कमरे हैं, किसी विभाग को 11 कमरे हैं, किसी को 12 कमरे हैं, किसी को 16 कमरे हैं। तो हमारी ये मांग रही है संकाय प्रमुख और वार्डन से, बाकी सभी लोगों से। हम लोगों ने अपनी मांग रजिस्ट्रार से लेकर DSW तक सभी को बताई कि जब तक ये गलत आवंटन जो हुआ, गलत अनुपात में आवंटन हुआ है, इसको जब तक सही नहीं किया जाए तब तक हॉस्टल एलोकेशन की जो प्रक्रिया है उसको स्थगित की जाए। लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी गई, कहीं भी नहीं मानी गई। लोग आश्वासन देते रह गए और लास्ट में
संकाय प्रमुख के द्वारा आके जबरदस्ती हॉस्टल में बैठ के चिन्हित करके छात्रों का कमरा, कभी किसी को 55 नंबर में भेजा था, किसी को 92 में, किसी को 16 में, किसी को 46 में, ऐसा 2 से 3 बार किया गया है। ये हम लोगों की एक प्रमुख डिमांड ये है कि जो हॉस्टल एलोकेशन का कमरों का आवंटन जो गलत हुआ है उसको सही किया जाए, उसके बाद हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग यहीं बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। कहाँ बैठे हैं, क्या काम? ये छासंग भवन अधिष्ठाता कार्यालय, यहीं पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। सामाजिक विज्ञान संकाय के सोच छात्र हैं हम लोग। हिंदू युवा शक्ति मंच ने मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखे जाने के विरुद्ध नदेश्वर चर्च के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। हिंदू युवा शक्ति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने छावनी स्थित सेंट मैरिस कैथेड्रल चर्च में मंदिर को लिखे गए आपत्तिजनक टिप्पणी को तत्काल हटाने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। सूचना पर ACP कैंट डॉ अतुल अंजान त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक कैंट प्रभुकांत, नदेसर चौकी प्रभारी हरिओम प्रताप सिंह मैफोर्स पहुंचकर चर्च से जुड़े पदाधिकारियों से वार्ता की। मऊ कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अवैध शराब संग गिरफ्तार कर लिया। मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के महरनिया गांव में काफी दिनों से अवैध शराब का धंधा चल रहा था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाने की पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में अवैध शराब पुलिस ने बरामद किया। इसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं 3 लोग 4 दीवारी फांदकर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। इस संदर्भ में CO सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब का धंधा काफी दिनों से चल रहा था। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर छापेमारी की गई, जिसमें काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 लोग भागने में सफल है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महरनिया में अवधेश सोनकर, चंदन सोनकर और अजय सोनकर का मकान है। यहाँ सूचना मिली की देखे कि शराब कहीं से ला के और मोहल्ले में बेच रहे हैं उसको। तो सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली साहब ने यहाँ दबिश दिया तो भारी मात्रा में शराब मिली हुई है, बरामद हुई है। कुछ लोग 2-3 लोग थे जो पीछे से फेंक फेंक के भीतर से ताला बंद करके भाग गए। तलाशी लिया गया तो उसमें भी काफ़ी खाली कार्टून, कुछ शराब और पैकेट उनके मिले हुए हैं, उनको गिन के और नियमानुसार कार्रवाई की। ये गिरफ्तार है अभी और 3-4 लोग भाग गए हैं। 3 की दुकान नहीं खोले हैं, वैसे अवैध रूप से ले आके उसको बेच रहे थे। मोहल्ले की क्वांटिटी होगी सर? अभी टोटल 8-10 पैकेट तो हमारे सामने थे, बाकी टोटल करके अभी आपको सर कीमत लगभग क्या होगी मैक्सिमम? कीमत इसकी जोड़ के आपको बता पाएंगे, अभी थोड़ा नहीं बता पाएंगे। ठेके की सरकारी देसी ठेके की शराब है, वहाँ से लाके यहाँ बेची जा रही थी अवैध रूप से। विश्व कुष्ठ दिवस पर रैली वनो कर्नाटक का आयोजन हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर विश्व कुष्ठ दिवस का आयोजन संपूर्ण विश्व में किया जाता है। इस अवसर पर NLR इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसी क्रम में NLR इंडिया फाउंडेशन के स्टेट पुनर्वास समन्वयन विपिन सिंह को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वाराणसी के CMO द्वारा सम्मानित किया गया। NLR इंडिया फाउंडेशन भारतवर्ष के 7 राज्यों के 129 जिलों और 150 कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ उन्मूलन और पुनर्वास पर उत्कृष्ट कार्य करता आ रहा है। NLR इंडिया फाउंडेशन का सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि NLR इंडिया फाउंडेशन संपूर्ण भारतवर्ष के 7 राज्यों के 129 जिलों में काम करती है, जो कुष्ठ उन्मूलन को लेकर के प्रतिबद्ध है। इसमें हम लोग कुष्ठ उन्मूलन के साथ साथ पुनर्वास पे भी काम करते हैं। 150 कुष्ठ आश्रम है यहाँ पे, जिस पे हम लोग पुनर्वास पे काम करते हैं। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे 80 तिराहे से लेकर के 80 घाट तक यहाँ पे पदयात्रा हुआ है, एक रैली इसे कह सकते हैं आप लोग, जिससे ये समाज को संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि कुष्ठ रोग छुआछूत से नहीं होता, ये एक कलंक की भावना नहीं है, ये एक रोग है जो एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कीटाणु की वजह से होता है, जो ये अभी लोग भी समाज में ऐसे कुंठित लोग हैं जो इसको अभिशाप मानते हैं। इसी के उन्मूलन के लिए आज हम लोग विश्व कुष्ठ दिवस के उपलक्ष्य में रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। कौन चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे? CMO सर और DLO डॉक्टर AK मौर्या उपस्थित हैं यहाँ पे, और जो इसकी
चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हैं। रामनगर डीएवी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। रामनगर डीएवी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 100 मीटर दौड़, धीमी गति की साइकिल रेस तथा शतरंज का खेल खेला गया, जिसमें जूनियर बच्चों से लेकर सीनियर वर्ग के बच्चे भाग लिए। बच्चों में सर्वांगीण विकास होता रहे, यही इस खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य रहा। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल विवेकानंद चौधरी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वचन दिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं, जिनमें प्रमुख रूप से विनीता सिंह, अंजना पाकिजा नकवी, अर्जुना सिंह, ज्ञानेश त्रिपाठी तथा रत्नेश मिश्रा इत्यादि सम्मिलित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाने की पुलिस ने गुमशुदा बच्चे की हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी हेट स्पीच मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई, अगली तारीख 14 फरवरी की हुई नियत। श्रीकाशी सत्संग मंडल ने रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दी तहरीर। और बीएचयू अटल इंक्यूबेशन में आईसीआई स्टार्टअप संवाद का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।